उज्जैन में दुकानदार युवती को बातों में उलझाकर बदमाश 30,000 का कैश गले से निकाल कर ले गए। बाइक से आए दो बदमाशों ने यह वारदात की। आपको बता दें, घटना खास रोड थाना इलाके के घिनौदा का है। तो वहीं प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि खास रोड तहसील से 5 किलोमीटर दूर ग्राम घिनौदा में राजेश पाटीदार की सीमेंट सरिये की दुकान है। वहीं दोपहर 1:30 बजे व्यापारी की बेटी दुकान पर बैठी थी, तभी दो बदमाश बाइक से दुकान पर पहुंचे और उन्होंने करीब 2,000 रुपए का सामान खरीदा। इस दौरान उन्होंने गले में रखी नोटों की गड्डी देख ली, फिर उस युवती को बातों में उलझाकर कुछ सामान मंगवाया और उससे रेट पूछा। तो वहीं युवती अपने पिता से रेट पूछने लगी। इतने में ही एक बदमाश ने गले से कैश चुरा लिया। आपको बता दें कि व्यापारी का घर और दुकान एक ही बिल्डिंग में है। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में दो बदमाश बाइक से आते और जाते दिख रहे हैं। इसी दौरान पिंक कलर की शर्ट पहने एक बदमाश युवती को बातों में उलझाता है। व्यापारी की बेटी जैसे ही गल्ला बंद कर अपने घर में जाती है, एक बदमाश बड़ी तेजी से गल्ले से रुपए निकाल लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।